कौशाम्बी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा बस अड्डा। यूपी के कौशाम्बी जिले के नगर पालिका परिषद भरवारी क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ की लागत से बनने वाले रोडवेज बस अड्डे का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ही रिमोट का बटन दबाकर किया। शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर, चायल विधायक संजय गुप्ता ने रोडवेज बस स्टेशन का भूमि पूजन किया। सांसद ने बताया कि जनपद कौशाम्बी को एक डिपो मिला है जो कि 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। रोडवेज डिपो और भरवारी रोडवेज बस स्टेशन बन जाने से कौशाम्बी जनपद के लोगों को गैर जनपद के साथ साथ सूबे के तमाम जनपद व अन्य प्रदेशों में भी आने जाने में काफी सुविधा होगी। कार्यक्रम में चायल विधायक संजय गुप्ता, सांसद विनोद सोनकर, डीएम मनीष कुमार वर्मा, आयुक्त आर रमेश, रोडवेज आरएन डीआरएम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सांसद जी, क्या कार्यक्रम था और सरकार की तरफ से कितने करोड़ की परियोजना का यहां पर शिलान्यास किया? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से कौशाम्बी जनपद में आदरणीय केशव जी के नेतृत्व में, माननीय विधायकों के प्रतिनिधित्व में लगातार कौशाम्बी जनपद में एक नहीं अनेक विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। उसी क्रम में आज चायल विधानसभा के ग्राम सभा परसरा में एक रोडवेज बस स्टेशन जिसकी लागत 5,81,00,000 रुपया है उसका शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार होगा। और इससे पहले कौशाम्बी जनपद का अपना रोडवेज डिपो जो मार्च 2021 में बन के पूरा होने वाला है, इन दोनों सभी सब स्टेशनों के माध्यम से कौशाम्बी जनपद के सभी प्रमुख गांव, सभी प्रमुख बाजार, सभी ब्लॉक, सभी नगर पंचायत को यातायात की सुविधा से जोड़ा जाएगा। इससे आने वाले समय में इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कौशाम्बी जनपद में पूर्ण लोग उपयोग कर सकें और साथ ही साथ कौशाम्बी जनपद में पर्यटकों को लाने के लिए चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे चित्रकूट हो और चाहे व्यापारिक दृष्टि से कानपुर और बनारस और लखनऊ हो, सब जगह से बस यहाँ से संचालित होगी। इससे कौशाम्बी जनपद से में इसमें पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।